लेकिन आपने पहले ही माइंड को ये बता दिया नहीं हो पाएगा, तो शायद आप थोड़ा भी ना चढ़ पाए। तो ये है ना डिफरेंस, पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आपको कहीं भी नहीं बढ़ने देगा, पॉजिटिव थॉट्स आपको कुछ दूर तक तो लेके जाएगा ही। आज भी कोहरा है, 31 मतलब 1 फरवरी है, लेकिन 6 बजने वाला है, बट कोहरा अच्छा खासा है। यह 6:14 का कोहरा आज कलमजोत मार्ट का। 1 फरवरी को फिर से कोहरा आ गया, अच्छा खासा घना कोहरा है। थोड़ी देर पहले तक तो दिख नहीं रहा था, अभी थोड़ा सा उजाला हुआ तो दिख रहा है। 6:25 का टाइम हो रहा है और आज जो रनिंग किया अभी 5 किलोमीटर 280 मीटर और 41 मिनट का टाइम लगा, 7:47 का एवरेज पेस से। तो पेस लगभग वही है, बस डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया आज। और रन करते करते ये विचार आ रहा था मन में कि जब से मैंने ये सोचा है कि मुझे करना है तब से मैं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली पहले मेरा दिमाग, मतलब दिमाग के बारे में सोचा कितना विचित्र है दिमाग। पहले मेरा दिमाग ये सोचता था कि अरे यार मैं तो बहुत नाजुक, मैं नहीं कर पाऊँगा ये सब फिजिकल एक्टिविटी, सब रनिंग ये सब नहीं कर पाऊँगा। तब एक्चुअल में नहीं कर पाता था, मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाता था, पैरों में दर्द, ओह। लेकिन जब से मैंने ये सोचा है कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगा या नहीं, बट मैं आपको माइंड का स्टेटस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से मैंने ये सोचा कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, मैं कंटिन्यूसली पहले 2 किलोमीटर, फिर 2.5, 3, 4, 5.5 तक आ चुका हूँ, मैं रन कर पा रहा हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता, लेकिन वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि माइंड को ही मैंने ऐसा डाइवर्ट किया है कि मुझे ये करना, मतलब सकारात्मक विचार कि ये करना है। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज़ को हम ठान लें और दिमाग में बार बार उस चीज़ को डालें कि हाँ ये करना है, करना है, करना है, तो दिमाग भी बॉडी को जो है उसी तरीके से ढालने लगता है धीरे धीरे, और हर पार्ट आपका सपोर्ट करने लगेगा। ऐसा मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि एक बार में जो मैं 100 मीटर दौड़ नहीं पाता तो एक बार में 5 किलोमीटर आ चुका हूँ, इसमें टाइम लगा है मेरे को। लेकिन हाँ, जब से मैंने माइंड को ये चीज़ फीड करना शुरू किया ना कि मुझे ये करना है, करना है, करना है, तब से माइंड भी धीरे 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 से इसको अडॉप्ट कर रहा है, और वो अपना माइंड ही बॉडी को संकेत देता है ना, तो बॉडी को भी वो उसी तरीके से जो है धीरे धीरे ढाल रहा है। जहाँ पर पेन होता था वहाँ नहीं होता है, अलग अलग तरीके की एंड्योरेंस, सहन शक्ति मेरे बॉडी में डेवलप हो रही है, और मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को कर पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी भी कि मैं मैराथन में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं हर रोज़ माइंड में ये फीड करता हूँ कि मुझे मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो माइंड ही मेरे को लेके चलता है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ये रियलाइज़ करने के बाद ही बता रहा हूँ, आई होप मैसेज क्लियर है। और वैसे घर चल रहा हूँ, अभी जाके एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ माइंड। ये माइंड ही आपको कमज़ोर बना सकता है, माइंड ही आपको पावरफुल बना सकता है, बस सोच का डिफरेंस है। आप कंटिन्यूसली सोचते रहिएगा मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, तो आप कमज़ोर ही बनेंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली ये सोचिएगा कि नहीं मेरे से ये हो सकता है, मेरे से ये हो सकता है, तो मान लीजिए आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बारे में सोचा है, भले ही उतना ऊपर तक ना चढ़ पाए, आधा तो जा ही पाएंगे ना, लेकिन आपने पहले ही माइंड को ये बता दिया नहीं हो पाएगा, तो शायद आप थोड़ा भी ना चढ़ पाए। तो ये है ना डिफरेंस, पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आपको कहीं भी नहीं बढ़ने देगा, पॉजिटिव थॉट्स आपको कुछ दूर तक तो लेके जाएगा ही।
17 तो दो सेट में मैंने अभी तक 42 कर लिया है, तो 60 होने के लिए और 18 का रिक्वायरमेंट है। पिछले दिन 72 किया था और आज थोड़ा तो ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड फील कर पा रहा हूँ। 60 तो करूँगा ही, 72 अचीव कर पाऊँगा नहीं पता नहीं, देखते हैं। और एक करने से 60 हो जाएगा। हो गया 3 सेट में कंप्लीट, जो 60 में 5 सेट में करता था 12-12 करके, अभी 3 सेट में कंप्लीट हो रहा है रोज, तो 60 कंप्लीट हो गया। लेकिन ये 20-20 करके नहीं, फर्स्ट सेट 25 था, 17 फिर 18 किया है। तो एक मिनट का रेस्ट ले लिया 60 सेकंड का, अब पावर सेट कितना कर पाते देखते हैं। कल 60 तो कंप्लीट कर लिया, पिछले दिन 72 किया था, तो आज क्या 72 हो पाता है या उससे कम या उससे ज़्यादा, लेट्स सी। सेवेंटी हो गया, हो गया 72।